हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर विज्ञान वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने किया था अमल और क्षारक की रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके रासायनिक गुणधर्म हमने पढ़े थे। सेकंड चैप्टर 10th क्लास हम कर रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अम्लों व क्षारकों में क्या समानताएँ हैं। तो देखिए, ये कैसे करेंगे हम कि समानताओं का कैसे पता लगाएंगे। उससे पहले आप ये देखिएगा कि मूलतः दो समानताएं जो हम यहाँ पे करेंगे अम्ल और क्षारक में, ठीक है। तो पहली समानता क्या है कि अम्ल और क्षारक जो है वो दोनों ही जल में जब उनका विलयन बनता है, अपने जलीय विलयन में क्या करते हैं, दोनों ही आयन उत्पन्न करते हैं। क्या करेंगे, आयन उत्पन्न करेंगे दोनों ही। कौन से आयन उत्पन्न करेंगे, अमल करेगा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न और क्षारक करेगा OH आयन उत्पन्न। जैसा कि आपको पता है अमलों में होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अमल है, HNO3 है नाइट्रिक अमल है, इन सभी में क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं। और क्षारक जितने भी हैं उन सभी में क्या होते हैं, उन सभी में OH आयन होते हैं, ठीक है। तो इन सभी में OH आयन्स हैं। तो OH आयन जो हैं ये जलीय विलयन में आयन OH उत्पन्न करेंगे और अमल करेंगे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न। तो ये दोनों के बीच में समानता है। और जो ये आयन उत्पन्न करते हैं जल में घोलने पर, इसी की वजह से इनका जो है अम्लीय गुण और क्षारकीय गुण रहता है। ये क्या है आपके, ये अम्ल हैं और ये क्या हैं, ये क्षारक हैं। आप कह रहे हो ना कि अम्लीय गुण क्या है कि भाई ये लिटमस को नीले को लाल कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो ये जो इनके गुणधर्म है ना, अपने अपने आपने रासायनिक गुणधर्म भी पढ़े हैं और भौतिक गुणधर्म भी पढ़े हैं। तो ये किस वजह से हैं, ये इसी वजह से हैं कि जल में घुलने पर ये अपने ये आयन उत्पन्न कर रहे हैं। जलीय विलयन में इनके गुणधर्म आते हैं। अगर ये सूखे होंगे ना, जलीय विलयन इनका नहीं होगा, तो ये इनके गुणधर्म जो हैं वो नहीं आएंगे। अमल खट्टा नहीं लगेगा, अमल नीले लिटमस को लाल नहीं करेगा, या ये लाल को नीला नहीं करेगा। अगर इनका एक्वस, इस तरीके से लिखते हैं ना एक्वस को, विलियन नहीं है, जलीय विलियन नहीं है, अगर ये एक्वस नहीं है तो, ठीक है। और ये आयन उत्पन्न कर रहे हैं, इसी वजह से हम ये भी बोलते हैं कि ये अपने अंदर से विद्युत को प्रवाहित कर सकते हैं, विद्युत के चालक हैं। लेकिन अगर सूखा ले लेना HCl, सूखा H2SO4 ले लिया, तो विद्युत का चालक नहीं है, क्योंकि उसमें आयन उत्पन्न नहीं होंगे। और आयन तभी उत्पन्न होते हैं जब हम जल में घोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको समझने के लिए सारे टॉपिक को कि किस तरीके से आयन उत्पन्न कर रहे हैं, जलीय विलयन किस तरीके से हैं, हमें क्रियाकलाप करेंगे। ये देखिए, इस क्रियाकलाप में हम क्या कर रहे हैं कि एक बीकर में हमने ले लिया अम्लीय विलयन, ले लिया, क्या लिया है, अम्लीय विलयन, मतलब उसे पानी में घोल रखा है। रबर के कोर्क पे दो कील लगा दी, तो ये दो कील लगा दी और ये पीले पीले रंग का जो दिखाया हुआ है ये अम्लीय विलयन है। तनुकृत मतलब नाम से लग रहा है, जो पतला कर दिया, पानी घोल दिया जिसमें, ठीक है। तो दो कील लगा दी और दोनों कीलों को एक तार लेके बैटरी से जोड़ दिया, बल्ब और स्विच भी लगा दिए, बल्ब को चेक करने के लिए ताकि ये विद्युत का प्रवाह कर रहा है कि नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए 6 वोल्ट की बैटरी ली है। तो अब हम क्या देखेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे ना, तो करंट किस तरफ से किस तरफ जाता है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं तो हम इस बार करेंगे अच्छे से। ये देखो, प्लस से माइनस की तरफ जाता है, तो यहाँ से करंट निकलेगा और इधर से सीधा यहाँ जाने का तो रास्ता है नहीं, क्योंकि रबड़ क्या है, कुचालक होती है विद्युत की। तो इसके अंदर से जाएगा, विलयन के अंदर से इस तक। तो विलयन है किसका, अम्लीय विलयन है, HCl वगैरह ले रखा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि बल्ब जल गया, बल्ब जल गया मतलब जो अम्लीय विलयन था वो विद्युत का चालक है, विद्युत यहाँ से गुजर रही है। तो HCl अमल डाल के देख लिया भाई, H2SO4 अमल डाल के देख लिया, तब भी बल्ब जल गया। अगर यहाँ पे क्षारक हम डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्षारकीय विलयन हम लेते हैं, तो भी हम क्या देखते हैं कि बल्ब जल जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज डाल दें, ग्लूकोज पता है ना आपको स्टूडेंट्स, मैंने पीछे भी बताया 6H12O6 कार्बन का एक यौगिक है। तो ग्लूकोज अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे ही अगर एल्कोहल यहाँ पे हम डाल देते हैं, इथेनॉल वगैरह, शराब वगैरह, तो भी बल्ब नहीं जलेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि
अम्ल और क्षारक में बल्ब जल जाता है Cl H2SO4 वगैरह में, लेकिन एल्कोहल या ग्लूकोज डालते हैं तो बल्ब नहीं जलता। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? मैंने अभी आपको बताया कि जो अम्ल और क्षारक हैं इनमें समान गुणधर्म है ये, कि जैसे ही इनको जल में घोलते हैं इनके आयन बन जाते हैं और आयनों के कारण ही विद्युत का प्रवाह हो रहा है, और आयनों के कारण ही इनके अपने खास गुणधर्म हैं अम्ल वाले और क्षारक वाले। लेकिन जो एल्कोहल और ग्लूकोज है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे ही उनको पानी में घोलते हैं तो उनके आयन उत्पन्न नहीं होते। तो ये था स्टूडेंट्स पहला क्रियाकलाप इस टॉपिक में, जिससे पता चलता है कि अम्ल और क्षारक के जो अपने गुणधर्म हैं वो किस वजह से हैं, जलीय विलयन के रूप में होने की वजह से। देखिए हम इस टॉपिक को अभी क्रिया से समझते हैं कि आपने जो HCl लिया है, कोई भी अम्ल ले लो, HCl की बजाय H2SO4 भी ले सकते हैं, तो जल में जब उसको घोलेंगे तो उसका जो जलीय विलयन बनेगा वो क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन है इसमें, तो ये हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं रहते कि भाई हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन अलग अलग हो जाएं और इसी से विद्युत का ये सुचालक हो जाए, ऐसा नहीं है। ये हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ जुड़ जाते हैं और H3O+ बन जाता है। क्या है? H3O+ हाइड्रोनियम आयन होता है ये, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं स्टूडेंट्स इसे, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन बन जाता है और साथ में क्लोरीन आयन तो रहेगा ही, H3O बन गया, H2 एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, तो ये हाइड्रोजन आयन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अकेला लिखना है तो इस तरीके से करके नीचे आप एक्वस लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, इसकी भौतिक अवस्था को बता देना, भौतिक अवस्था बताते ही अंडरस्टूड हो जाएगा, अपने आप समझने की बात हो जाएगी कि ये जलीय विलयन है, जल में घुला हुआ है। इसका मतलब क्या है एक्वस लिखने का? इसका मतलब यही है, यही चीज़ है कि इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। तो इस तरीके से आयन बनते हैं, ठीक है। ये कैसे बना ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना, ये कन्फ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोजन जो है Cl से निकली और H2O का अणु ये जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बन गया आपका, तो ये उलझना नहीं है आपको इसमें। तो ये तो होगी एसिड की बात, लेकिन अगर हम उसकी बेस की बात करें, क्षारक की बात करें, तो क्या होगा? जैसे NaOH हमने कोई क्षारक ले लिया, NaOH को जैसे ही हम जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें भी वही सोडियम आयन तो अलग हो गए, जैसे यहाँ क्लोरीन आयन अलग हो गए थे, और OH आयन अलग होगा। अब इस OH आयन को भी अकेला नहीं लिखेंगे ऐसे, ये विद्युत का सुचालक नहीं होता अगर अलग से लिखेंगे, इसको भी हम एक्वस लिखेंगे, मतलब ये भी इसका क्या है? जलीय विलयन है, जल इसमें घुला हुआ है। अब एक और बात खास आती है, ये तो मैंने आपको बताए क्षारक बताए हैं अब तक सारे, लेकिन ऐसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, अलग से नाम आ गया ये स्टूडेंट्स। कौन कौन से क्षारक क्षार होते हैं जो जल में घुलते हैं? क्या है क्षार? जल में घुलने वाले क्षारकों को कहते हैं, जल में घुलने वाले क्षारक को, क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, ठीक है। आपसे ये पूछ भी सकते हैं क्षार क्या होता है एक नंबर में। तो जैसे ये NaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, या फिर मैग्नीशियम वाला है, इस तरीके के ये सारे के सारे क्या हैं? क्षार होते हैं, जल में घुल जाते हैं और एक्वसीय रूप है इनका, जो विद्युत को प्रवाहित करता है, और दूसरी चीज जिसकी वजह से इनका अपना क्षारकीय गुणधर्म है पानी में घोलने की वजह से, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी हो और एक क्रियाकलाप और करेंगे हम इस टॉपिक को समझने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इन्होंने परख नली दिखा दी और इस ड्रॉपर से, ये ड्रॉपर ले रखा है, ड्रॉपर तो आपको पता ही होगा, कोई भी अम्ल ले लिया और किनारे से गिराएंगे, अम्ल को एकदम से नहीं गिराना होता, बीच में किनारे से गिराते हैं। तो ये इसमें गिरा दिया आपने H2SO4, किस में गिरा दिया? सोडियम क्लोराइड ले लिया था आपने इसमें, थोड़ा सा 1 ग्राम ठोस ले लिया था सोडियम क्लोराइड, उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। तो फिर उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद इसमें एक इसी परख नली को यहाँ दिखाया हुआ है, उसमें क्या लगा दिया? एक निकास नली लगा दी, जिसमें से कोई गैस बनेगी तो निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl की जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? देखिए परख नली में हमने पहले से तो ले लिया था NaCl, साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं HCl के साथ, तो क्या होगा? HCl या H2SO4 कोई भी ले लो, तो ये H2SO4 ही ले लो, बाकी Na जो है मेन, तो
सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं बिल्कुल ही गलत बता गई हूँ, HCl नहीं लेना हमें, NaCl। और तो ये जो NaCl है, मान लिया H2SO4 लेंगे इसके साथ, तो हमें क्या करना है, ये बिल्कुल अलग प्रयोग है, इसके साथ नहीं होगा। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि सोडियम का तो सल्फेट बन जाएगा Na2SO4, और HCl गैस निकलेगी। जो गैस निकलेगी ना, वो HCl गैस निकलेगी, इसको चेक कर रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे HCl पहले ही ले लेंगे, अगर अभिक्रिया में इसकी जगह ये अम्ल ले लेंगे तो बात नहीं बनेगी। हम क्या और कुछ देखना चाह रहे हैं कि जो HCl गैस बनेगी वो अम्ल है कि नहीं, गैसियस रूप में ये अम्ल होगी कि नहीं। तो हम HCl गैस बना रहे थे तो H2SO4 ही लेना पड़ेगा। तो जो ये HCl गैस बनी है और Na2SO4 बना, ये निकलेगी निकास नली से। अब ये गैसीय रूप में है, ये विलयन नहीं है जल का, तो ये चेक कर रहे हैं कि इसमें अम्लीय गुण है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स हम, ये देखिए इस निकास नली से HCl गैस निकली है और हम पास में ले आए लिटमस पत्थर। अब जो अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस लेके आए हैं, लेकिन अगर सूखा लिटमस पत्थर लेके आएंगे तो लाल नहीं होगा। आर्द्र लिटमस पत्र, अगर हम नमी वाला लिटमस पत्थर लेके आएंगे तो लाल हो जाएगा। इसका मतलब अम्ल अगर सूखा हो तो उसमें अब उसके अम्लीय गुण नहीं रहते, वो नीले लिटमस को लाल भी नहीं कर पा रहा, तो अम्लीय गुण उसमें है ही नहीं। लेकिन अगर हम नमी वाला लिटमस पत्थर लेके आएंगे तो क्या होगा, वो जो HCl जो गैस यहाँ से निकली है, सूखा HCl जो निकला है, वो इस नमी के साथ मिलके आयन बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे तो उसमें उसके गुण आ जाएंगे और ये नीले से लाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए कई बार ये भी कन्फ्यूजन होता है, जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास अगर वातावरण में ही, नमी में ही, जलवायु में ही अगर नमी हो तो क्या होगा। भाई बारिश का मौसम है, हवा में ही बहुत सारी नमी है, तो जो HCl गैस निकलेगी एकदम से, वो उसके साथ भी हवा में जो जल के आयन हैं उनके साथ भी अभिक्रिया करके पता नहीं चलने देगी, एक्सपेरिमेंट का प्रयोग अच्छे से नहीं होगा। तो क्या कर लेते हैं, इस निकास नली से जो HCl निकलती है ना, कैल्शियम क्लोराइड की एक शुष्क नली ले लेते हैं उसकी जगह। क्या कर लेते हैं आगे, कैल्शियम क्लोराइड की शुष्क नली ले ली, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जो उसमें आर्द्रता है उसको ख़त्म कर देगा ये, तो इसकी सहायता से आपको पता चल जाएगा हवा में जो आर्द्रता है वो उसका पता नहीं लगेगा, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि सूखी HCl गैस नीले को लाल नहीं कर पाती, लेकिन आर्द्र लिटमस पत्र अगर हम ले आए तो वो हो जाता है। सूखा लिटमस पत्र नहीं रंग बदलेगा, आर्द्र वाला बदलेगा, क्यों, क्योंकि HCl की उसके साथ अभिक्रिया हो जाती, किसके साथ, जल के अणुओं के साथ, ठीक है। तो ये था जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक जो है अपना असली गुणधर्म जो है वो दिखा पाते हैं। अब देखिए ये हमने कर लिया पहली समानता, जलीय विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं वगैरह वगैरह, मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। तो ये देखिए, अगर आपको कोई भी पॉइंट स्टूडेंट कहीं पे भी क्लियर नहीं होता है तो आप वीडियो को पॉज करके स्लो करके धीरे धीरे देख सकते हैं, यही ऑनलाइन लेक्चर्स का फायदा होता है सबसे बड़ा। तो सेकेंड पॉइंट जो आता है कि दोनों में क्या समानता है, तो ये आप कैसे चेक करेंगे, क्या समानता है, पहले देखिए आप कि दोनों की दोनों को अम्ल और क्षारक की जब जल में अभिक्रिया होती है, कि अम्ल ले लो या क्षारक ले लिया, कोई सा भी ले लो, ठीक है, जब इनमें जल डालेंगे तो जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। क्या होती है, एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, उसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। ये हो गया सेकंड पॉइंट समानता का, ठीक है। अब आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना होता है कि जल जो है, जल ले लिया, किनारे से डालना होता है आपको, थोड़ा थोड़ा करके, अम्ल या क्षारक कोई भी चीज हो, क्योंकि इनकी अम्ल और क्षारक की बोतलों पर भी लिखा होता है सांद्र अम्ल और सांद्र क्षारक है, मतलब बिल्कुल गाढ़ा, तनुकृत नहीं है, तनु नहीं है, सांद्र है, तो उसके साथ बहुत सावधानी बरतनी होती है। कभी भी अम्ल या क्षारक पहले लेके ऊपर से जल नहीं डालेंगे, बहुत तेजी से अभिक्रिया होगी और एकदम से जो ऊष्मा निकलेगी वो सारे सॉल्यूशन को, जो विलयन है, एकदम से बाहर फेंक देगी और आपका मुंह हाथ वगैरह जल भी सकता है, ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा जल लेके, जल पहले लेंगे, जल पहले लेंगे और कोने से धीरे धीरे अम्ल और क्षारक को डालना होता है, ठीक है, क्योंकि जो ऊष्मा अब इस अभिक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा बनती है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
अब इसमें जो ये बीकर है ना, बीकर को आप हाथ लगा के स्पर्श से भी महसूस कर सकते हैं। अगर बीकर गर्म हो जाएगा तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय है। कभी भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का पता लगाना हो तो उस बर्तन को, उस बीकर वगैरह को स्पर्श करने से भी पता चल जाता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी अम्ल और क्षारकों में समानताएँ। ठीक है, अब इसमें एक छोटी छोटी सी एक परिभाषा आती है। क्या परिभाषा आती है स्टूडेंट्स? तनुकरण क्या होता है, क्या बता रही हूँ मैं? तनुकरण। तो तनुकरण होता है, तनु नाम से आप समझ रहे हो पतला करना, तनुकृत करना। ठीक है, तो तनुकरण क्या होता है कि जब जल में जब थोड़ा थोड़ा हमने अम्ल और क्षारक मिलाया था तो जल में होते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, या ये जो हैं OH आयन जो होंगे क्षारक के ये और अम्ल के ये वाले। जब अम्ल में क्षारक या अम्ल मिलाते हैं जल में, ठीक है, तो ये घटते चले जाते हैं। क्या होता चला जाएगा? ये घटते चले जाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन है या हाइड्रोजन आयन है अम्ल उतना ही प्रबल होता है, और जितने ज़्यादा OH आयन है क्षारक भी उतना ही प्रबल होता है। ठीक है, तो एक बिल्कुल सीधी सी बात है ये कि अगर अम्ल और क्षारक में जल मिलाते जा रहे हैं तो ये घटते चले जाएंगे, अम्ल और क्षारक की प्रबलता कम होती चली जाएगी, वो पतला होता चला जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण। ठीक है, कि इनकी जो है प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाएगी। समझ गए परिभाषा आप, कि अम्ल या क्षारक मिलाने पर जल में जब आप अम्ल या क्षारक मिलाते हैं, परिभाषा आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ, जब जल में आप अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन और OH आयन के प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। क्या होता है? इनके प्रति इकाई आयतन में कमी आती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं आप तनुकरण। आप ये भी कह सकते हैं अम्ल और क्षारक तनुकृत हो गए, पतले होते जा रहे हैं पानी के डालने से, क्योंकि इनके आयन जो हैं वो घटते जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स ये 5-6 प्रश्न आते हैं। वैसे तो मैं साथ साथ आपको सारे समझा चुकी हूँ टॉपिक में, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। पहला है HClHNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते। तो क्या बताया था मैंने इसके बारे में कि इनमें अम्लीय गुण किस वजह से हैं? क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं और जल में इनके आयन बनते हैं, हाइड्रोजन आयन एक्वस लिख लो या हाइड्रोनियम आयन लिख लो, लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज के जल में जलीय विलयनों में आयन नहीं बनते, इसलिए इनमें अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं है और इनमें है। ठीक है, दूसरा है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि उसमें आयन बन जाते हैं, आयनों की वजह से वो विद्युत का चालन करता है। सूखा अम्ल नहीं करेगा विद्युत का चालन। ठीक है, अब शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? मैंने बताया था अगर सूखी HCl गैस बनेगी और सूखा लिटमस पत्र ले लिया तो उसका रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि उसमें नमी नहीं है। और रंग कौन बदलता है? रंग बदलता है अम्ल। तो वो सूखी HCl गैस है, उसमें अम्लीयता के गुण नहीं है, क्योंकि जल में घुलने के बाद जब आयन बनते हैं तो वो गुण आते हैं। ठीक है, तो इसलिए सूखे वाले लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलेगी, आर्द्र ले आएंगे तो बदल जाएगा, या वातावरण में नमी होगी तो भी रंग बदल जाएगा सूखे वाले का। अम्ल को तनुकृत करते समय यह है कि अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। अभी मैंने बताया था बच्चों, अगर एकदम से आप जल अम्ल पहले डाल के और बाद में उसमें जब अगर आप जल डालेंगे तो क्या होगा, एकदम से बहुत तेजी से अभिक्रिया होगी और सारा का सारा जो उसमें सॉल्यूशन है, मिश्रण है, वो बाहर आ सकता है, बाहर छलक जाएगा, जिससे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होने की वजह से नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? बिल्कुल अभी मैंने ये बताया, तनुकरण की परिभाषा आपको समझाई थी कि जैसे जैसे इनको तनुकृत करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन जो हैं वो घटते चले जाते हैं पानी मिलाने से, या कम होते चले जाएं, जितने ज़्यादा ये उतना ज़्यादा प्रबल आयन, जितने ये उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल, जितने ये कम उतना कम प्रबल। तो पानी मिला रहे हैं तो प्रबलता कम हो रही है, तो ये भी घटेंगे। अब है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में क्षारक
मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, बिल्कुल इसी जैसा है ये, इसके सांद्रता भी घटेगी जैसे जैसे उसमें पानी मिलाएंगे। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अम्ल और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। दो समानताएं हमने करी हैं कि एक तो दोनों के दोनों पानी में जब मिलाते हैं तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, और एक क्या है कि इनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं और जलीय विलयन में ही इनके अपने गुण आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे को आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।